एनसीईआरटी का 6.1 लाइन एंड एंगल हम लोग पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन भी कर लिए। ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 है लाइन एंड एंगल्स का, आर एस अग्रवाल के 7th एक्सरसाइज में है ना, 7B में। चलिए यहां पे दिया है एक्स वाई जेड का रेशियो 5:4। सिंस रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 5:4:6, तो मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 5K, वाई इज इक्वल टू 4K एंड जेड इज इक्वल टू 6K। अब एक्स वाई जेड ये तीनों लाइन के एक ही ओर का एंगल है, ठीक है, एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड आर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ए लाइन, सेम साइड ऑफ ए लाइन एट पॉइंट ओ, ठीक है। जब लाइन के एक ही ओर सारा एंगल हो और एक ही पॉइंट पर हो तो उसका सम होता है 180 डिग्री। अब देखिए x को क्या माने थे आप, 5k, y को 4k, z को 6k, दैट विल बी 180। 15k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 180/15, यानी k का वैल्यू कितना आ गया आपको 12। अब एक्स वाई जेड निकालना है, x कितना है 5k, 5 × 12 60 हो जाएगा, y कितना है 4k यानी 4 × 12 48 डिग्री, एंड z 6k यानी 6 × 12 72 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, AB देख रहे हैं, AB CDEF कोप्लानर लेंस मतलब एक ही प्लेन में है और वो ओपे कट कर रहा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है और ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, ये कितना दे दिया, इस साइन का मतलब ही होता है 90 डिग्री, क्लियर। अच्छा ये 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये 90 हो जाएगा, BOD और AOC 90 का है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देख रहे हैं ABCD कट कर रहा है ओपे, तो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो एंगल AOC कितना हो गया बेटा 90, एंगल AOC का T मेजरमेंट भी दिया यानी T का वैल्यू 90, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये 50 डिग्री और ये X और ये T, ये तीनों मिलके स्ट्रेट लाइन COD बना रहा है, क्योंकि COD जो है एक स्ट्रेट लाइन है तो COD के एक ही ओर कौन कौन आता है, T, X एंड 50, T + X + 50 दैट विल बी 180। अब T का वैल्यू आप कितना फाइंड किए, 90 + X + 50 कितना हो जाएगा बेटा 180, नहीं तो X + 90 = 50 = 140 = 180, दैट्स वाई X = 180 - 140 कितना हो जाएगा 40, क्लियर। अब X और Y देख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, X = Y = 40 / वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जेड और 50 यहां देखो वर्टिकली अपोजिट है ना, एंगल जेड बराबर DOF = 50 / वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर X का वैल्यू कितना निकला 40, Y का वैल्यू कितना निकला, जेड का वैल्यू कितना निकला 50 और टी का वैल्यू कितना निकला है 90, ऑल एंगल्स फाइंड हो गया, राइट डाउन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है और इस स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल बनाना है, मान लीजिए OC रे हम एक्सटेंड कर दिए तो ये और ये एडजेसेंट हो गया, चूंकि एक आर्म कॉमन है और वर्टेक्स कॉमन है ना, नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में, बात समझ में आया, तो टू एडजेसेंट एंगल्स बना लिए BOC AOC और दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। अब इसका रेशियो दिया है 5:4,
4, ठीक है। AOC एंड BOC आर एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल्स है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन कौन है, ए। क्लियर रतन जी, क्लियर है क्या मुस्कान, ठीक है ना। अब देखिए इसका रेशियो 5:4 दिया है, तो दोनों एंगल को, दोनों एंगल का रेशियो तो बड़ा देखने में भी बड़ा ये है, AOC और BOC 5:4 कर दिए दोनों का रेशियो, बड़ा वाला को 5 मान लिए, छोटा वाला को 4 मान लिए, ठीक है। अब AOC को आप 5K मान लीजिए, BOC को 4K मान लीजिए। अब ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा आप ही बोलिए, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्या एडजेसेंट एंगल्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन हो गया, तो क्लियर है लीनियर पेयर होगा, दोनों का सम 180 होगा, यानी 5x + 4x 180, यानी 9x 180, तो x = 20 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, आपका दोनों एंगल कौन सा है, एक है एओसी विच इज इक्वल टू 5K, अच्छा 5K लिए थे यहाँ पे ना, तो 5K हो जाएगा, x नहीं, 4K, 9K एंड ये भी K, 5K, तो 5K का वैल्यू 20 आया, यानी 100 डिग्री। एओसी का वैल्यू कितना आया, 100 डिग्री। बीओसी क्या लिए बेटा, 4K, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री। दैट्स ऑल, जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग, हो गया।